यही रीजन होगा कि डोमिनर को टोरिंग सेक्टर में इतना पॉपुलैरिटी मिलने का। आपको DTSI की 248.8 cc की लिक्विड कोल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लेंट 145 से लेकर 150 प्लस तक की। हेलो एवरीवन, दिस इज अमकनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। आपने लाइफ में कभी ना कभी तो टोर किया ही होगा, और अभी तक अगर नहीं किया है तो करने का प्लान जरूर कर रहे होगे। टूरिंग का नाम लेते ही जिस बाइक का नाम सबसे पहले आता है, आज बात करने जा रहे हैं उसी बाइक के बारे में। आप में से बहुत लोगों को तो पता चल ही गया होगा किस बाइक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख के। ऑब्वियसली सही कहा ना, तो चलिए स्टार्ट करते हुए द लेजेंडरी टोरिंग मशीन बजाज डोमिनर 250। वैसे तो डोमिनर 250 नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, और उसका वेट थोड़ा ज्यादा होने के वजह से डोमिनर काफी अच्छी रोड प्रेजेंस बनाती है, और शायद यही रीजन होगा कि डोमिनर को टोरिंग सेक्टर में इतना पॉपुलैरिटी मिलने का। वैसे लुक्स के बारे में बात करें तो बजाज डोमिनर 250 देखने में काफी प्रीमियम सेक्टर की मोटरसाइकिल लगती है। हालांकि काफी मोटी रकम चुकानी पड़ती है इस बाइक को घर ले जाने के लिए। वैसे कलर की बात करें तो केनियन रेड और वाइन ब्लैक, यही दो कलर वेरियंट देखने को मिल जाता है बजाज डोमिनर 250 में। बाइक में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRL प्लस LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है फ्रंट में, और तो और LED टेल लैंप्स और LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है रियर साइड में। हेडलैम्प के ऊपर आपको एक छोटा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको दो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है। पहले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गॉज और टाइप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और RPM लिमिट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और सेकेंड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में आपको इंजन मालफंक्शन, ओवरहीटिंग और ABS इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको काफी प्रीमियम हैंडल बार और काफी प्रीमियम फिट एंड फिनिश देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम और हॉर्न देखने को मिल जाता है, और राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। बजाज डोमिनर 250 में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 3 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। बाइक की माइलेज की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको 32 से लेकर 43 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। बाइक की इंजन की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको DTSI की 248.8 cc की लिक्विड कोल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लेंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो आपको 26.63 BHP की मैक्सिमम पावर और 23.5 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क निकल के दे सकती है। गियरबॉक्स की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो आपको 6 गियर में 145 से लेकर 150 प्लस तक की हाई स्पीड अचीव करने में मदद कर सकती है। सस्पेंशन की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक USD फोर्क और रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नीटॉक्स व्हील स्ट्रोक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। बाइक के टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाला और रियर में 130x17 सेक्शन की 17 इंच वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। उसी के साथ बजाज डोमिनर 250 में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाइक की सीट हाइट की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में आपको 800mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जहां आपको 157mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 180kg की बॉडी वेट भी देखने को मिल जाती है। इसका यही मतलब निकल के आता है कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो फिर आप बजाज डोमिनर 250 के साथ जा सकते हो आसानी से। बजाज डोमिनर 250 में आपको ओपन चेन बॉक्स टाइप स्विंगम और डबल बैरल एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसका एग्जॉस्ट नोट काफी स्वीट है। बाइक की प्राइसिंग की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 आपको 1,92,428 की इंडियन रुपीस में देखने को मिल जाएगी। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।